बेरियाटाउन की बदमाशी उरूज पर। मलिर की ज़मीनों पर कब्जे की घिनौनी कोशिशें थम न सकीं। मुसलसल तीसरे रोज़ मुकामी अफराद की ज़मीनें हथियाने की कोशिश। चाचा फैज़ मोहम्मद गब्बोल के बेटे मुराद गब्बोल समेत दो अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ऐसे जो एफ आई आर फोन के माता गल दोबारा इतने खी आयो इनके इतने इनके इतने शरीर ही नहीं समझे पानी तरफ अलग कोशिश कर एफ आई आर जो कोर्ट में केस भी हले हाई कोर्ट में इन जिला इन कल भी वही कोर्ट में दरख्वास्त दिनों पुलिस के मथा भी इन बावजूद पुलिस भी उनसा गड अची बेरियाटाउन वाला गड इन जबरदस्ती कब्जो कर असि आई जी साहब के विशाल आई जी असि वजीर आला सिंध के अपील तय क्यों बबा इन पाँचों कुछ लगाम मेहरबानी कर असो मुतालबो हों अस जुर्म न कर कश्मीर वांग न कर ये लाओ लश्कर सिंध की ज़मीनों पर गैरकानूनी कब्जा करने और मलिर की दीघ काठौड़ के सदियों से आबाद लोगों को बेघर करने के लिए हेवी मशीनरी साथ लेकर पहुंच गया। बेरियाटाउन की बदमस्त इंतजामिया दीघ काठौड़ में मुकीम साबिक जिला कौंसलर करीमदाद बलोच की ज़मीनों पर नाजायज़ व गैरकानूनी कब्जा करने पहुंची तो मुकामी अफराद ने बड़ी तादाद में घरों से बाहर आकर मुज़ाहमत की जिसके नतीजे में वो वापस लौट गए। दूसरी जानब बेरियाटाउन की इंतजामिया ने आज तीसरे दिन भी नूर मोहम्मद गब्बोल गोट की जमीनों के साथ चाचा फैज़ मोहम्मद गब्बोल मरहूम की जमीनों पर कब्जे का अमल जारी रखा। चाचा फैज़ मोहम्मद गब्बोल के बेटे मुराद गब्बोल दीगर अफराद के साथ बेरियाटाउन के जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ डटे रहे तो आज उन्हें और इनके साथी फजल गब्बोल पर तशद्दुद किया गया जिसके बायस दोनों जख्मी हो गए। बाद अज़ां पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया। इस जुल्म के खिलाफ मुकामी अफराद ने एहतजाज किया तो मुराद गब्बोल और उनके साथी को आज़ाद किया गया जबकि बेरियाटाउन इंतजामिया की बदमाशी जुल्म बर्बरियत के बायस काठौड़ के इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। याद रहे कि मरहूम चाचा फैज़ मोहम्मद गब्बोल हाईकोर्ट में अपनी ज़मीनों का केस जीत चुके थे मगर फिर भी बेरियाटाउन इन ज़मीनों पर गैरकानूनी तामीरात कर रहा है पर कानून बेरियाटाउन इंतजामिया को रोकने के बजाय पुलिस की सूरत में उसे शेल्टर फराहम करता नजर आ रहा है।